प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर पूरे देश में पूरे विपक्ष में किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया कि ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों रही है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, और वो भी ऐसे आरोप को लेकर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको राजनीति करनी है तो खुलकर राजनीति करिए, अगर आपको अरविंद केजरीवाल पर हमला करना है तो खुलकर हमला करिए, आपको अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो खुलकर चुनाव लड़िए, ये ईडी के पीछे छुपकर चुनाव मत लड़िए, ये ईडी के पीछे छुपकर वार मत करिए। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया 18 तारीख की शाम को, 18 मार्च को प्रेस रिलीज जारी किया 17 मार्च की तारीख के साथ। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। इस पूरे प्रकरण में कई अजीबोगरीब चीजें हैं। सबसे पहला सवाल जो इस प्रेस रिलीज के बारे में उठता है वो इस आरोप पर है कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया दिल्ली एक्साइज पॉलिसी द्वारा। मैं आज ईडी से पूछना चाहती हूं कि यही आरोप उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की बेल पर बहस हो रही थी तब भी उन्होंने ये आरोप लगाया था। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जस्टिस संजीव खन्ना ने जो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से कहा, और मैं वो ऑर्डर आपको पढ़ के सुना रही हूं, ये ऑर्डर बहुत स्पष्ट तौर से कहता है, द असर्शन इन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट दैट अ किकबैक ऑफ रुपीज 100 करोड़ वॉज एक्चुअली पेड बाय द लिकर ग्रुप इज समवॉट अ मैटर ऑफ डिबेट। फिर वो कहते हैं कि डीओई ने ये कहा वो कहा, और एंड में बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं, द चार्ज दैट द एपिलेंट मनीष सिसोदिया इज वाइकेरियसली लायबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 70 ऑफ द पीएमएलए द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट कैन नॉट बी अलेज्ड एंड हैज नॉट बीन आर्ग्यूड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है, और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पे। तो फिर ये सवाल उठता है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया? मैं तो ये भी सवाल पूछूंगी कि ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों रही है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस
ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और वो भी ऐसे आरोप को लेकर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। तो ये जो प्रेस रिलीज इशू करना है एक तथाकथित स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा एक ऐसे आरोप पर जो ऑलरेडी खारिज हो गया है, इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बनके रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर पूरे देश में, पूरे विपक्ष में किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है, और अब वो ईडी नामक इस राजनीतिक हथियार का प्रयोग करना चाहते हैं चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए, और यही माहौल बनाने के लिए ईडी ने इस प्रेस रिलीज को जारी किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहना चाहूंगी कि अगर आपको राजनीति करनी है तो खुलकर राजनीति करिए, अगर आपको अरविंद केजरीवाल पर हमला करना है तो खुलकर हमला करिए, आपको अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो खुलकर चुनाव लड़िए, ये ईडी के पीछे छुपकर चुनाव मत लड़िए, ये ईडी के पीछे छुपकर वार मत करिए, ये ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को चुनावी मैदान और चुनावी प्रचार से हटाने की कोशिश मत करिए। अगर आपको अपने 10 साल के सरकार के काम पे भरोसा है तो उस काम पर वोट मांगिए, अगर आपको लगता है कि आपने 10 साल में कुछ किया है तो उसके आधार पर वोट मांगिए, अरविंद केजरीवाल को इस राजनीतिक हथियार ईडी के माध्यम से गिरफ्तार करा के चुनावी मैदान से हटाने का प्रयास मत करिए। थैंक यू। आप लोग अभी तक आरोप लगाते रहे कि किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को ईडी बुला रही है, उसमें जो मेंशन है कॉन्स्पिरेटर के तौर पे उन्होंने कहा है कि वे मुख्य साजिशकर्ता इस मामले में रहे हैं, प्रेस रिलीज ये बता रहा है, उनका कोई इन्वेस्टिगेशन का कागज ये नहीं कह रहा, कोई चार्जशीट ये नहीं कह रही, जो समन्स भेज रहे हैं वो नहीं कह रही। अब उनकी प्रेस रिलीज को हम क्या किसी जांच का आधार मानेंगे, नंबर वन। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरे आरोप को सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी खारिज कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर को अपने जजमेंट में कंसिडर किया और ब्लैक एंड व्हाइट तौर पे कहा कि ईडी इस आरोप को साबित नहीं कर पाई है। तो ये प्रेस रिलीज के माध्यम से ऐसी सूचना देना ये दिखाता है कि ईडी का राजनीतिकरण हो रहा है और ईडी को राजनीतिक पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है। देखिए, हम तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि अभी तक पिछले कुछ महीनों से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ ईडी का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन ये बात तो हम कई हफ्ते पहले बता चुके हैं कि हमें काफी आधिकारिक सूचना मिली है कि सीबीआई के माध्यम से भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और ये आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि पहले एक्साइज पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के माध्यम से बार बार समन किया जा रहा है। जब इतने समन के बावजूद और इतने प्रयास के बावजूद वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने एक नए फर्जी केस में समन भेजने शुरू कर दिए। अब उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई के माध्यम से भी गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। हमारा सवाल बस इतना है कि आप कोई प्रमाण तो दिखाइए। अभी तक इन किसी भी मामले में कोई प्रमाण ना ईडी ना सीबीआई पेश कर पाई है।
क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। और आज जो ये प्रेस रिलीज इशू करके ईडी ने अपनी असली जो मोटिवेशन है, जो उनकी पॉलिटिकल मोटिवेशन है, वो दिखा दी है। भाई अगर आपने जांच करी है, जांच में कुछ निकला है तो आपकी चार्जशीट में होगा ना। अगर आपने जांच करी है और जांच में कुछ निकला है, वो आप कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे ना। अगर आपने कुछ जांच किया और उसमें कुछ निकला है, आप समन्स में लिखेंगे। ये प्रेस रिलीज से कब से इन्वेस्टिगेशन का आउटकम ईडी बताने लगी है? तो ये बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक खेल है और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ईडी के पीछे छुपकर अरविंद केजरीवाल पर वार करने का प्रयास है।